नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के मानसून स्तर में दी गई दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सत्र के शुरू होने के समय जो शोक प्रस्ताव मैं पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ही भारी मन से पहला शोक प्रस्ताव मैं पढ़ रहा हूं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये सदन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 16 अगस्त 2018 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में हुआ। वर्ष 2014 से उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वे जेल गए। वे वर्ष 1962 तथा 1986 में दो बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 1957, 1967, 1971, 1970, 1980, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 लगातार 10 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1977 से 1979 के दौरान केंद्रीय मंत्री तथा वर्ष 1993 से 96 एवं 96-97 के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 16 मई 96 में 1 जून 96 तथा 19 मार्च 98 से 22 मई 2004 तक 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया। उन्होंने वर्ष 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1992 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। काव्य उनके जीवन का अभिन्न अंग था। उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। उनकी कविता है राष्ट्रवादी उत्साह एवं मानव मूल्यों पर आधारित थी। उनकी कविताएं लोगों में कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जागृत करती है। यदि उनकी कविता संग्रह में से एक कविता मैं पढ़ता हूं तो व्यक्ति के वास्तविकता, मनुष्य क्या है, आदमी क्या है, उसको वो अपने भावों से व्यक्त करते थे। उन्होंने कविता लिखी, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इस प्रकार से उनकी कविताओं में कैसे भाव निकलते थे, एक नहीं अनेक कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत किया और हमको एक दिशा दी। उन्होंने जय जवान जय किसान नारे के साथ जय विज्ञान जोड़कर पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती शक्ति का संकेत दिया। उन्होंने किसानों के लिए
किसान बीमा व किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं शुरू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजल धारा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान की। वे स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय और स्पष्टवादी थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजनीतिक जीवन में बुलंदियों तक पहुंचकर भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहे और सादगी का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। उनके चेहरे पर दिव्य तेज, हृदय में बाल सुलभ निष्कपटता थी। उनकी उदारता, विनम्रता, निष्पक्षता और शुचिता का प्रभाव हर एक को आकर्षित करता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। वे हमेशा मन को संयमित रखने के लिए एक उच्च विचार की बात क्या करते थे, वो कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। ये संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। कमजोर वर्गों के हितों के सच्चे हितैषी थे। उनकी विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से निस्वार्थ सेवा, संघर्ष तथा त्याग की गांधीवादी विचारधारा के एक युग के साथ वर्तमान की एक जीवंत कड़ी टूट गई है। उनके निधन से देश को भारी क्षति हुई है। मैं जहां तक व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है जीवन में बहुत कुछ खोया है, क्योंकि उनकी सादगी, उनके जीवन से जो कुछ हमने प्रेरणा ली है, वो अगर दो पंक्तियों में बताना चाहूं तो आदमी की पहचान उनके धन या आसन से नहीं होती, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। इस प्रकार के जीवन जीने का अभ्यास अगर हमको मिला है तो उन्हीं की प्रेरणा से मिला है। आज ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन के 14 अगस्त 2018 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 नवंबर 1927 को हुआ। वे वर्ष 1957, 62, 67, 1969, 1977 तथा 1997 में पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1977 से 89 व 1997 से 2002 के दौरान मंत्री रहे। वे वर्ष 1969 से 70 के दौरान पंजाब के उप मुख्यमंत्री तथा 1979 से 80 के दौरान विपक्ष के नेता रहे। आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे। उन्होंने जुलाई 2014 से अपने अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के 13 अगस्त 2018 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 जुलाई 1929 को हुआ। वे वर्ष 1971 से 2004 तक लगातार 10 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2004 से 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्हें वर्ष 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एम करुणानिधि के 7 अगस्त 2018 को हुए
दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 3 जून 1924 को हुआ। वे 13 बार तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे एक सच्चे जननेता थे। उन्होंने 77 से ज्यादा फिल्मों में संवाद और पटकथा लेखन का कार्य किया तथा 100 से ज्यादा पुस्तकें भी लिखी। उनके निधन से देश एक लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।